हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। एक ऐसी सोच जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाई और उस सोच से अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। मेरे टाइटल से आपको मेरा टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, पर उससे पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री और साइंस बताना चाहती हूँ। 11,000 साल पहले जब हमारे पूर्वज एग्रीकल्चर फार्मिंग में आए थे तो उन्होंने डोमेस्टिकेटेड डेयरी एनिमल्स जैसे कि काउस, बफेलोस, गोट्स, शीप को रखा। ये एनिमल्स घास खाते थे और कोई हाई मेंटेनेंस नहीं थी, पर उनसे बहुत सारा दूध और खाद मिलती थी जो इनके खाने को हेल्दी और टेस्टी बनाते थे। इस डोमेस्टिकेटेड लाइफस्टाइल ने उन्हें सर्वाइव करने में बहुत मदद की। तो ये जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज थी, इनके जीन्स में एक चेंज आया। ये चेंज आप पहले साइंटिफिक वे से समझो। जो मिल्क होता है उसमें नेचुरल शुगर रहती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, और उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल एंजाइम यानी कि केमिकल होता है जिसे हम लैक्टेज कहते हैं, और ये लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। जब हम इन्फेंट्स या बेबीज होते हैं तो हम में लैक्टेज की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली क्योंकि हम मिल्क पे डिपेंड होते हैं। पर जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है ये एंजाइम हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, और जब हम ओल्ड एज तक काउस मिल्क कंज्यूम करते हैं तो कई बार हमें वो मिल्क हजम नहीं होता क्योंकि तब हमारी बॉडी में लैक्टेज कम हो जाता है जो मिल्क से मिलने वाले लैक्टोज को हजम कर पाता है। 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन लैक्टोज इनटॉलरेंट है, पर ऊपर जहाँ मैंने उस एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी की बात की जिन्होंने डोमेस्टिकेटेड फार्मिंग अडॉप्ट की थी, अब उनके नेक्स्ट टेक्स्ट जनरेशन के जीन्स उस मिल्क को अभी तक डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। जो कम्युनिटीज डोमेस्टिकेटेड फार्मिंग में नहीं थी उनके जीन्स आज इनटॉलरेंट है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि दूध पीना तो हमारे लिए बहुत हेल्दी है, तो फिर ये टॉपिक क्यों? वैसे आप सही सोच रहे हैं, दूध पीने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नो डाउट ये हेल्दी है, और मैं आपको इसके थोड़े बेनिफिट्स बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्यों दूध हमें नहीं पीना चाहिए। काउ मिल्क एक बहुत अच्छा सोर्स है मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम और प्रोटीन का। ये हमारी बोन्स के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि 99% कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ में होता है। पर फिर भी मैं दूध पीना सही नहीं मानती, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी डार्क ट्रुथ ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। रेगुलर मिल्क प्रोडक्शन के लिए काउज हर साल एक बछड़े को जन्म देती हैं, और वो बछड़ा इस धरती पर आता नहीं है, लाया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, जिसमें काउज के पीछे इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो और उसकी मिल्क प्रोडक्शन बनी रहे, और जो दूध वो अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए निकालती है जो उसके मुंह से ना होते हुए हमारे ग्लास तक पहुंचता है। वैसे तो काउस नेचुरली 7 kg पर डे के अराउंड मिल्क प्रोड्यूस करती है, पर जेनेटिक मैनिपुलेशन, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन जिसे हम BGH भी कहते हैं, एंटीबायोटिक्स के बाद वो प्रोड्यूस करती हैं 22 kg पर डे। ये सारे मेडिकल तरीके दूध बढ़ाने और प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो काउस की हेल्थ और हमारी हेल्थ दोनों पर बुरा असर डालती हैं। कई जगह काउस के थनों को इलेक्ट्रॉनिक मिल्किंग मशीन्स के साथ जोड़कर दूध निकाला जाता है। ये मशीन्स इतनी पेनफुल होती हैं कि उनके थनों पर सूजन पड़ जाती है और वो खराब होकर फ्लोर तक टच करने लग जाते हैं। काउस का जो नेचुरल लाइफ स्पैन है वो 20 से 25 ईयर्स तक होता है, और वो 8 से 10 साल तक दूध देती है, पर ऐसी फार्म कंडीशंस के कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियां, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे वो डेयरी इंडस्ट्री वाले उसके लिए 4 से 5 साल के बाद वो वर्थलेस हो जाती हैं। इसके बाद उन्हें या तो आवारा छोड़ देते हैं या स्लॉटर हाउस यानी कि कत्ल खानों में भेज दिया जाता है। ये तो काउस के बारे में था।
अब मैं न्यू बॉर्न बेबीज का इन पे क्या फ़र्क पड़ता है वो बताऊंगी। इनके पैदा होते ही इन्हें अपनी माँ से दूर किया जाता है, उनके हक का दूध भी नहीं पिलाया जाता, फिर उन्हें या तो स्मॉल डेयरीज वाले 24 घंटों के काफ को बाहर फेंक देते हैं और बड़ी डेयरीज में तो कुछ इंजेक्शंस और मेडिसिंस देकर डार्क जगह पर बिठा दिया जाता है। उन मेडिसिन से वो देखने में तो हेल्दी हो जाते हैं और उन्हें अच्छे से मीट के लिए तैयार किया जाता है। हम सड़कों पर बहुत सारी आवारा काउस देखते हैं, वो इन्हीं डेयरीज से निकल कर आई हैं जहाँ पर अब उनका कोई काम नहीं, और बड़े बड़े हाईवेज और रोड्स पर उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप ये बातों पे यकीन नहीं करते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीटा का लिंक शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो में आप देख पाएंगे इन काउस की सफरिंग। बिल्कुल हम इंसानों की तरह काउस बहुत ही अफेक्शनेट होती हैं, वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज को दूर नहीं देख पाती और वही दूर होने का दुख वो फील करती हैं और डिप्रेस हो जाती हैं। पर नो डाउट हमारी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम की ज़रूरत तो है, पर उस कैल्शियम के लिए हम काउ मिल्क की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि प्लांट बेस्ड सोर्सेज हमारी नेचर में हमें बहुत सारे मिलते हैं। तो अगर आप कैल्शियम लेना चाहते हैं तो आप सोया मिल्क, आमंड मिल्क या ग्रीन लीफ वेजीज पे भी डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स के साथ हम कोई अब्यूज या क्रुएलिटीज नहीं करते। और काउ मिल्क में ह्यूमंस की ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन है। अगर 15% प्रोटीन काउस मिल्क में है तो ह्यूमन मिल्क में सिर्फ 5-7% होता है। और इस मदर नेचर में हम ह्यूमंस ही एक ऐसे एकमात्र मैमल्स हैं जो दूसरी स्पीशीज का मिल्क कंज्यूम करते हैं। इतनी सफरिंग्स, अब्यूज, क्रुएलिटीज को जानने के बाद मैं उन काउस का दुख फील कर पाई जिसे हम हमारे देश में माँ मानते हैं। और कोई भी औलाद अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती, पर हमारे देश में इतनी हिपोक्रेसी है कि यहाँ पर गौ मांस खाना अच्छा नहीं समझते, पर इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर बीफ एक्सपोर्टर है। मैं इन काउस और दूसरे कैटल्स का दुख बहुत अच्छे से जान पाई, जिस कारण मैंने वीगन ऑप्शन चुना और रोज़ इन डेयरी प्रोडक्ट्स को क्विट करने की कोशिश करती हूँ। और मैं इस वीडियो के ज़रिए डेयरी इंडस्ट्री का कड़वा सच आपके सामने लाना चाहती हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।